आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और लेकर हाजिर हूं मैं अपना खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल। जी हां, राजस्थान दंगल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का बस वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से कि कब तारीखों का ऐलान हो और कब वो रणनीति, वो अखाड़ा, वो जो दंगल शुरू करने वाले हैं उस दंगल में और ज़ोर शोर से तेजी आए। और ऐसे में बीजेपी हो या फिर बात हो कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां राजस्थान दंगल को जीतने की जुगत में लगी हुई हैं। फतेह हासिल होगी किस पार्टी को, ये तो राजस्थान की जनता के हाथ में है। लेकिन हाँ, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत से फैसले हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस दोनों ही तरफा से राजस्थान में बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस तो पूरी तरह से इस बात की जुगत लगाए बैठी है कि कैसे भी करके हम इस बार राजस्थान की सत्ता पर काबिज होकर रहेंगे। अभी देखिए ना, चाहे अशोक गहलोत हो और चाहे राहुल गांधी हो, अभी राहुल गांधी हाल ही में गए थे जयपुर, उनकी रैली हुई थी वहाँ पे और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे भारत मिलाप करा दिया था। उन्होंने वहाँ पे भारत मिलाप ही कहूँगी, हालांकि बहुत बड़े हैं अशोक गहलोत सचिन पायलट से, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से उन्होंने वहाँ पर दोनों के दरमियाँ जो खटास, जो मतभेद, जो मनभेद जो भी थे वगैरह वगैरह, सबको दूर करने के लिए मंच पर ही मीडिया को एक संदेश दिया कि भाई जो भी अफवाहें उड़ रही हैं दोनों ही नेताओं को लेकर वो सरासर गलत है, दोनों ही नेता एक साथ हैं। राहुल गांधी को भी इस बात का पूरी तरह से इल्म है कि कहीं ना कहीं कि दोनों ही उनके दो, एक दाहिना और एक बाहिना हाथ है, उनकी दोनों आंखें हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान में। ऐसे में अगर एक आंख में भी काम करना बंद कर दिया तो सोचिए फिर शरीर का क्या होगा। तो वही मैं, कांग्रेस का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा राजस्थान में। राजस्थान में राहुल गांधी का भविष्य भी दाव पर है और लोकसभा में भी दाव पर है। अगली परीक्षा है उनकी लोकसभा में, कांग्रेस को वेंटिलेटर से उठाकर फिर से चलाना, ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है साबित करना उन्हें खुद को। कर्नाटक अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही नहीं है, ना त्रिपुरा में और ना ही उपचुनाव में रही है, ना जो यूपी में हुए और जो बिहार में हुए। ऐसे में अब सवाल यही बनता है, ना सिर्फ अशोक गहलोत, राहुल गांधी, बल्कि सचिन पायलट, बल्कि राहुल गांधी की भी बहुत बड़ी परीक्षा है राजस्थान में। उन्हें साबित करना है कि अगर वो अध्यक्ष बने हैं तो क्या उनमें, उनके नेतृत्व में वो खूबी है जिससे वो पूरी इतनी बड़ी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है देश की उसको एक साथ चल ले जा सकते हैं। हालांकि उनके बयानों पर गौर किया जाए तो कोशिश तो उनकी पूरी है, लेकिन राजस्थान में कैसे फतेह हासिल करेंगे ये देखना अभी बाकी है। इस तरह से वो कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। एक मुद्दा है राफेल को लेकर। राफेल को लेकर उन्होंने कहा था, अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोला था कि विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन सचिन पायलट जो कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस मसले से कोई इत्तेफाक नहीं है। वो इस मसले से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं सचिन पायलट। और ऐसे में उन्होंने जो संकल्प रैली शुरू की है, संकल्प रैली की जो शुरुआत होने वाली है उसमें राफेल डील का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठाया है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्या सचिन पायलट सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं कांग्रेस में, या फिर वो अपनी ही बातों को, जो इस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में, उन्हें ये लगता है कि वो इस दम पर अगर वहाँ पर चुनावी रणनीति तैयार करते हैं, ऐसे नेतृत्व करते हैं, अगर इस तरह से अगुवाई करते हैं तो शायद वो कांग्रेस को सफलता हासिल करा सकते हैं वनस्पत राहुल गांधी की बातों को मान के। अब मैं बताती हूँ आपको कि पायलट ने संकल्प रैली रखने के पीछे, संकल्प उन्होंने रखा इसके पीछे उनके तीन क्या कारण हैं। पहला कारण ये है कि प्रदेश में किसानों की आवाज़ उठानी है। दूसरा संकल्प है नौजवानों को नौकरी दिलानी है। तीसरा संकल्प है भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलानी है राजस्थान की आवाम को। लेकिन इन संकल्पों में से राहुल गांधी का संकल्प गायब है। कौन सा संकल्प? राफेल डील को लेकर। सदन में भी पीएम मोदी को घेर चुके हैं, कांग्रेस कई बार निर्मला सीतारमण को घेर चुकी है, पीएम मोदी को घेर चुके हैं कि आखिर बताइए कि आखिर कितने में सौदा किया। लेकिन बीजेपी कह रही है ये एक सीक्रेट सौदा है, हम इसे देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को घेरते हैं और बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हैं। अब यही मुद्दा जो है संकल्प रैली से गायब है सचिन पायलट की संकल्प रैली में। तो आप बताइए, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट हैं वो अपने आप को या तो बहुत ज्यादा महानुभाव बन रहे हैं या अनुभवी बन रहे हैं, या फिर अगर इसका एक पॉजिटिव पक्ष देखा जाए तो उन्हें लग रहा हो कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी से काम करता हूं तो शायद हमें अच्छा फायदा हो। क्योंकि अगर उनकी संकल्प में जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, रोजगार, कुशासन भाजपा का, और तीसरा है किसानों का
किसानों की आवाज़। तो देखा जाए तो ये तीनों ही मुद्दे देश के बहुत प्रमुख मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अगर इस पर सचिन पायलट गौर फरमा रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका सोचना लाजमी हो सकता है, सही हो सकता है। हालांकि पार्टी आला कमान उनके लिए क्या सोचती है ये तो कांग्रेस के आला कमान जाने, लेकिन फिर भी जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी संकल्प रैली में राहुल गांधी के वो राफेल डील के मुद्दे को दरकिनार किया है, वो कहीं ना कहीं बयां कर रहा है कि सचिन पायलट किसी भी हालत में राजस्थान में शायद अपनी ही चलाने की जुगत में है। शायद ये भी सही भी है कि अगर आप किसी को किसी चीज़ की लीडिंग देते हैं, नेतृत्व देते हैं, तो आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा एहतराम होना चाहिए कि आखिर वो अपने आप को साबित करके दिखाए। और सचिन पायलट ने खुद को साबित करके भी दिखाया है। इस साल की शुरुआत में जब वहाँ पर 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने ही 3 सीटें जीती थी। तो ऐसे में कहना कि राहुल गांधी को पूरा विश्वास है सचिन पायलट पर। हो सकता है कि अगर सचिन पायलट ने राफेल डील के मुद्दे को नहीं लिया है तो इसमें राहुल गांधी उनका साथ दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो इसको बीजेपी भुनाएगी कि हो सकता है राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में मतभेद और मनभेद सामने आ रहे हो। बृहस्पत स्टेज पर तीनों ही नेता एक साथ नजर आए थे, राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और कहा जाता है राहुल गांधी सचिन पायलट बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम सामने आता है इसमें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, लेकिन जब सियासत होती है तो वहाँ पे दोस्ती शायद एक तरफ होती है और सब सियासत की जाती है, क्योंकि सियासत ऐसा रंग है, सियासत ऐसी चीज़ है जो कभी भी करवट बदल लेती है और जो कभी भी रंग बदल लेती है, कभी भी कोई भी चोला पहन लेती है। तो ऐसे में जो संकल्प रैली से जो मुद्दा गायब किया है राफेल डील का, सचिन पायलट ने वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकता है सचिन पायलट को, या फिर राहुल गांधी को, या फिर दोनों के बीच दरार डाल सकता है, या फिर सचिन पायलट की स्ट्रैटेजी कांग्रेस को फायदा भी दिला सकती है। बहुत से सवाल हैं, इन सभी सवालों का जवाब देगी राजस्थान की आवाम जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा और जब होगा मतदान। मतदान के बाद पता चलेगा कि आखिर राजस्थान में होगा वसुंधरा का राज या फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। नमस्कार।